हाय गाइस, आज का मैच खेला गया शारजा क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली वर्सेस राजस्थान के बीच। राजस्थान ने पहले टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला लिया था। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 184 रन बनाए 20 ओवर में, वहीं राजस्थान की टीम 138 रन पे ऑल आउट हो गई और ये मैच दिल्ली ने 46 रन से जीत लिया। तो चलते हैं अवार्ड सेरेमनी की तरफ। पहला अवार्ड प्लेयर ऑफ द मैच, ये अवार्ड मिला रविचंद्रन अश्विन को, 2 विकेट्स ऑन 22 बॉल्स इन 4 ओवर्स। इसके लिए उन्हें 1 लाख रुपये और एक ट्रॉफी दी गई। दूसरा अवार्ड एल्ट्रो सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच, ये अवार्ड मिला पृथ्वी शाह को, स्ट्राइक रेट 190। इसके लिए उनको 1 लाख रुपये और एक ट्रॉफी दी गई। अन अकेडमी मोस्ट सक्सेस अवार्ड, ये अवार्ड मिला शिमरॉन हेटमेयर को, 5 सिक्सेस इन मैच। इसके लिए उनको 1 लाख रुपये दी गए। नेक्स्ट अवार्ड क्रेड पावर प्ले ऑफ द मैच अवार्ड, ये अवार्ड मिला जोफ्रा आर्चर को, 2 विकेट्स ऑन 11 रन्स इन 2 ओवर्स। इसके लिए उन्हें 1 लाख रुपये दिए गए। ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच अवार्ड, और ये अवार्ड मिला मार्कस ट्रॉइनिस को, मैक्सिमम फैंटेसी पॉइंट्स एंड इज गुड परफॉर्मेंस इन द मैच। इसके लिए उनको 1 लाख रुपये और एक ट्रॉफी दी गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा, और क्रिकेट से रिलेटेड और भी कंपैरिजन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।